आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव रतनपुर कला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 15 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 12,000 वोट और 30,000 की जनसंख्या वाले इस गांव के कमान खचेड़ू सिंह संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर पर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान खचेड़ू सिंह और सचिव सुरेंद्र सिंह के सहयोग से विद्यालयों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की राशन व पैसे देकर आर्थिक सहायता भी की गई है। इनके विकास कार्यों से गांव वालों में खुशी की लहर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गाँव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी है, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक कुंदरकी के रतनपुर कला ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं और किस तरह से यहाँ लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद की गई है, जैसे कि पूरे ब्लॉक में कुंदरकी ब्लॉक में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत यहाँ है, 12,500 लगभग यहाँ पर वोट संख्या है। इस दौरान यहाँ विकास किस स्तर पर अब तक हो पाया है, आइए बात करते हैं यहाँ प्रधान प्रतिनिधि से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। विकास तो बहुत हुआ है, बहुत साढ़े चार साल के करीब में हुआ है जी। सरकारी से अलग है, प्रधान जी के अपने तरफ से लेडीज है, महिला सफाई कर्मचारी है, कमलेश वो स्कूलों का काम देखती है। स्कूलों में कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या काम हुआ है? स्कूलों में टेल्स लगी है और टेल्स बिछी है, सीसी टेल्स बिछी है, बत्ती मिले, समर टेबल, पानी का सिस्टम, ये सब। अच्छा, यहाँ पर क्या जो ये ग्राम पंचायत है, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, तो इसमें कच्चे रास्ते हैं क्या अभी भी, बाकी सभी रास्ते पक्के हैं? हाँ, कुछ कच्चे भी हैं, जो नई बस्ती का तो ये वो कच्चे हैं जी। आवाज मिले हैं? हाँ, कम से कम 70 एक आवास मिले हैं। रतन कितने परिवार भी ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? वैसे पक्के तो हैं सबके, किसी के बोले पर हुए हैं, माना पात्र है कोई व्यक्ति जिन्हें आवास है, जिन्हें आवासों की जरूरत है। कितने परिवार होंगे ऐसे? होंगे 20-30। यहाँ पर जैसे स्कूल के अलावा सरकारी बिल्डिंग में बारात घर, पंचायत भवन ये हैं? हाँ, पंचायत भवन है, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र है, चार स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र, खेल का मैदान है, हाँ खेल के मैदान भी है, शमशान घाट कब्रिस्तान वगैरह है, टोली वगैरह। शमशान वैसे ही है, वैसे सरकारी बना हुआ शमशान घाट नहीं है जैसे का बनवाया जाता है, बनवाया हुआ नहीं है पूरी तरह से, जो तैयार होता है वो नहीं है, केवल लोगों ने जो अपने स्तर पर यहाँ पर शमशान घाट की स्थापना की होगी पहले से, कभी कोई यहाँ पर जो है? हाँ वैसे ही सादा बिल्कुल जी। तो इसके लिए आपने बनवाने के लिए कभी कोई प्रस्ताव रखा है? हाँ प्रस्ताव रखा था, दिया था लिख के, तो अभी तक। अस्पताल है यहाँ? अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसमें दवाइयाँ, डॉक्टर्स वगैरह सब? हाँ सब है, सही सारी सुविधाएं मिल जाती है, सब सुविधा है, रोज बैठते हैं। लॉकडाउन जैसे कि रहा है 70 दिनों का, तो काफी परिवारों को बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो आपकी ग्राम पंचायत में भी ऐसे कई परिवार होंगे जैसे अभी खाने पीने को लेकर या और किसी समस्या को लेकर कई तरह के संकट सामने आए होंगे, इसमें आपका ग्राम प्रधान द्वारा क्या सहयोग लोगों को मिला है, क्या योगदान हुआ है? जो भी रिया है सब सही रिया है, जैसे किसी को ज़्यादा परेशानी है उसे दिए गया है। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे? अब यही है कब जो दस्ताने के करते हैं नई बचती थी वो नहीं। कितने मीटर सीसी से लगभग एक पूरा गांव जो है पक्का हो जाएगा? ऐसे तो अंदाजे बदरा होना चाहिए। कोई समस्या ऐसी गांव में महसूस करते हैं जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार की तरफ से अगर मदद मिले, सरकार का सहयोग मिले? सरकार से एक ही मदद है, तो ये हटे वैसे एक रोड आ रहा है, काला डामर है रतनपुर में, ये हो जाना चाहिए। ये टूटा फूटा है या बना ही नहीं है? परा था, ये हो गए 8-10 महीने हो गए, ये बेकार हो गया है।
इस पर प्रधान जी ने अद्दा रोड़ा राबे को भी बतेरा डलवा दिया। इस पर परेशानी होती होगी। हाँ परेशानी होती है, पानी भर जाता है। सब पीने के पानी की सुविधा कैसी है यहाँ, मतलब जो है ओवर हैंड टैंक वगैरह बना हुआ है या? वैसे सही है, टैंक बना है तो हाँ टंकी लगी है पानी। अब जैसे कि लॉकडाउन अभी भी जारी है लेकिन अनलॉक भी हो चुका है, तो काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट वगैरह सब कुछ है, तो क्या अपने गांव वालों को कहना चाहेंगे इस तरह से कि यहाँ पर जैसे सरकार के जो नियम हैं या लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका कहीं कोई उल्लंघन होता हुआ तो दिखाई नहीं देता? नहीं, यहाँ पर रतनपुर में तो कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, बिल्कुल सब सही है, अलग अलग रहते हैं, दूर से पाँच लेते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास बीते चार सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स का रेल, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ लगभग 70 परिवारों को मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी 20 से 25 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। कुछ रास्ते अभी भी यहाँ कच्चे हैं जिनके लिए सीसी की ये मांग रखते हैं। यहाँ पर प्रमुख मांग जो यहाँ सामने आई है वो एक रास्ते को लेकर है जो पीडब्ल्यूडी विभाग में आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में है, गड्ढे जगह जगह पर हैं और जल भराव की समस्या उसमें आती है, बरसात के दिनों में लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। के साथ क्या नाम है तुम्हारा? राजीव कुमार। कहाँ के निवासी हो? यहाँ पे 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान के कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया हो गया आपका इस तरह से? बहुत अच्छा, मतलब हमारे ग्राम रतनपुर कला के प्रधान जी बहुत बढ़िया, और प्रधानों से बहुत बेहतर हैं, मतलब हमारे गांव में मतलब जो कच्ची सड़क थी उन पर आरसीसी टाइल्स भिजवा दी। सहमत हो आप भी गाँव से? हाँ सहमत हूँ।